मॉर्निंग गाइस, आप है एफके बी9 ब्लॉग चैनल पर और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा ब्लॉग है जो एक ऑफिशियल वे में शूट हो रहा है। इससे पहले जितने भी ब्लॉग थे वो अनऑफिशियल थे और जिस कैंपस पर हम लोग स्टडी करते हैं उस कैंपस की ओर से जो आउटलेट विजिट है उस पर आज ये पहला ब्लॉग है। तो होप कि आज के ब्लॉग में हम क्या क्या देखते हैं। जो लोकेशन है वो एम्बियंस मॉल है। तो एम्बियंस मॉल में हम किस तरह से विजिट करते हैं, किस तरह से वहाँ के आउटलेट्स को हम देखते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें हमें दिखती हैं, ऑल टुगेदर सब चीज़ इस ब्लॉग में आज देखेंगे। और होप कि जैसा पहले ब्लॉग कंटिन्यू आ रहा है वैसा अभी भी आएगा। मेरे साथ जो है सचिन, हाय सैम यहाँ पर है, ऋतिक यहाँ बैठा हुआ है, मैं भी। इन सब चेहरों से आप पहले मिल चुके होंगे मेरा आज के बर्थडे वाले ब्लॉग में, तो नो प्रॉब्लम। और आगे भी है, आगे भी हो सकता। सो गाइस ये था, आगे और ही मिलेगा। सो अब मिलते हैं एम्बियंस मॉल में। बाय बाय। इसमें पहले से ज्यादा मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। आई होप आप सब भी एंजॉय करेंगे हमारे साथ। हम लोग पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे एम्बियंस मॉल। दिखाता हूँ, एक मिनट वेट। एम्बियंस मॉल दिखा। सो गाइस ये है एम्बियंस मॉल। हम लोग एम्बियंस मॉल पहुंच चुके हैं और अब अंदर का जो शूट है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं अंदर और क्या क्या मिलता है। एम्बियंस मॉल और हम लोग एम्बियंस मॉल के अंदर आ चुके विजिट करने और अब आगे चल रहा है एम्बियंस मॉल में। हाँ नहीं, पीछे सर से मैनेज होएगा। एम्बियंस मॉल में शूट चल रहा है और बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्टेडियम से शूट चल रहा है, देख सकते हैं आप। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। होप कि आप भी ऐसे इन्जॉय करते रहे। और सर से बच बच के शूट लेना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बहुत प्राइवेसी, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है आज ये सिकंदर। ओह आज तो बहुत प्राइवेसी।
चिकन 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 एम्बियंस मॉल में जो हमारा मेन जो होटल और रेस्टोरेंट थे उसका विजिट हो चुका है। अब तक हमने पंजाब ग्रिल, फ्रेशको, जाम्बर और एशिया सेवन, अब तक इन चार जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उसका हमने विजिट किया है और बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक थीम से रिलेटेड जो रेस्टोरेंट है ना उनके बारे में जानने को मौका मिला उनके बारे में तो बहुत अच्छा लगा। अभी हम एम्बियंस मॉल के बाहर खड़े हैं, हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। सो कंटिन्यू करते आगे। हेलो गाइस, ऑल ओवर सारी विजिट्स कंप्लीट होने के बाद ये फाइनली लंच और अभी का प्लान क्या है? बैक तो जो फूडिंग एरिया था, जो रेस्टोरेंट एरिया था वो कंप्लीट हो चुका है, ये लंच है। देन आफ्टर लंच के बाद जो टोटल प्लान है वो है बैकरी सेक्शन में जाना है। तो वो देखते हैं कि बैकरी सेक्शन में क्या क्या मिलता है,
और किस तरह से मिलते हैं। विजिट आज की हो चुकी है पूरी, जो सी डी आर थे और QSR थे तो दोनों को हमने आज पूरे दिन विजिट कर लिया। बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मजा आ गया। बहुत ही बहुत मजा आया है एम्बियंस मॉल में, बहुत क्राउड है यहाँ पे, आज हमने बहुत नई चीज़ें सीखे पर हमारे साथ तो बहुत अमेजिंग दिन था, बहुत खास दिन था। और वो सारे पूजे हो चुके हैं, चार सी डी आर चार सीढ़िया और लॉट्स ऑफ क्यू ऐसा, तो ओवरऑल सारे मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो पाएगा लेकिन बट बहुत अच्छा था, मज़ा आया, अच्छा लगा एम्बियंस मॉल घूमने का। और जो मेन चीज़ हम घूमने आए थे, हम क्या देखने आए थे, मेन चीज़ आउटलेट विजिट करने आए थे। और हम आउटलेट विजिट, बहुत सारे आउटलेट विजिट करें, तो मेरा सबसे फेवरेट जो था फ्रेशो था, आपका कौन सा था वैसे? मेरा था पंजाब ग्रिल। दैट्स नाइस, क्योंकि पंजाब ग्रिल में जो क्यूज़ीन है वो हमारे सेकंड। ऑल ओवर जो एम्बियंस मॉल का विजिट, जो आउटलेट विजिट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सैम कुछ कहना चाहेगा? हमें आउटलेट में विजिट करा, हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब नई नई चीज़ें सीखे। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी आउटलेट हमारी लाइफ में और भी आनी चाहिए और हमें और भी मतलब इंस्पायर हुए इस चीज़ से, हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हर चीज़ के हमें एक्सपीरियंस नॉलेज। हैव यू सीन गाइस द पिछली वीडियो में था, हमने आज बहुत इंजॉय किया है और हमने सच बताऊं हमने बहुत आई एक्सरसाइज भी की। क्यों आया इसे हर बात पर एको सर आगे हमने बताया था बहुत आई एक्सरसाइज की। कौन सा मॉल था? एम्बियंस मॉल बेस्ट मॉल है, आप लोगों को खाने से